हियर इज द क्वेश्चन. अ फ्यूल सेल डेवलप्स एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम द कंबशन ऑफ ब्यूटेन एट 1 bar एंड 298 केल्विन. दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन और इसके लिए डेल्टा जी नोट आप फॉर द रिएक्शन दिया है -2746 इनटू किलो जूल पर मोल. चलिए आगे क्या बोला है कि व्हाट इज द ई नोट फॉर अ सेल आपको कैलकुलेट करना है. सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, मुझे पता है कि मेरे पास डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन दिया है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन गिवन है और मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो क्या होता है डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन क्या होगा, -NFe0 सेल, यही फॉर्मूला होता है. ठीक है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी गिवन है, -2746 इंटू किलो जूल पर मोल है, तो किलो जूल पर मोल क्या कितना हो जाएगा, किलो का 10^3 इंटू जूल पर मोल इज इक्वल टू माइनस, ये क्या हो जाएगा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस रिएक्शन इंटू, इसको एन रन दो अभी, इंटू 96 इंटू 5000 कूलम हो गया. ठीक है, इंटू क्या आ गया आपका ई नोट आ गया, बस आपका ई नोट सेल यहां से कैलकुलेट करना है. अगर आपके पास क्या पता चल जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस रिएक्शन कितने हैं, देखो कैसे होगा, यहां पर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, -2 होती है, मुझे इतना पता है, सॉरी अभी यहां पर, सॉरी यहां पर O2 है ना, तो O2 पे कितना है, 0 है, 0 से किसमें गया ये, यहां पर देख लो -2 में गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है. लेकिन टोटल ऑक्सीजन कितने यहां पर, यहां पर अगर ध्यान से देखो 6.5 बोला है, मतलब क्या आ गया ये 13/2 हो गया, 13/2 O2 हो गया, एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो 13 ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होगा, देखो ये ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, 6.5 O2 मॉलिक्यूल है 6.5, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर देखो पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं, तो टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं यहां पर, 13 है, तो एक ऑक्सीजन एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो 13 ऑक्सीजन एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होगा, 26 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ट्रांसफर इन दिस रिएक्शन कितने हो गए, 26 हो गए, सही है. देखो अब इसे आपको सॉल्व करना है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये कितने आ गया, 2746 इंटू 10^3 अपॉन 26 इंटू 96500, इसे आप सॉल्व कर लेना, आपको क्या मिल जाएगा, आपका ई नोट सेल मिल जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो एप्रोक्स आएगी 1.09 वोल्ट के. देन हियर इज योर आंसर एंड ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन.